हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए व्लॉग। और मैं हूं आपके साथ अनीशा। आज मैं आई हूं एक ऐसी जगह जहां की रबड़ी और जलेबी काफ़ी फेमस है। खैर, ये रेस्टोरेंट के नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि यहां की जलेबी कितनी फेमस है और रबड़ी, क्योंकि इसका नाम ही है मामा जलेबी वाले। तो आज मामा जलेबी वाले के हम जाएंगे और रबड़ी जलेबी टेस्ट करके आपको बताएंगे कि कैसी है और असल में रबड़ी बनती कैसी है। एक बार की रबड़ी अभी बन चुकी है, जो कि बनकर तैयार हो गई है। हम आपको दिखाते हैं, ये रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये सुबह से ही बनती रहती है और ये बनकर एक बार की ये तैयार हो गई है और डेली कम से कम 50 लीटर की बनती है। तो ये रबड़ी और जलेबी ये यहाँ की बहुत फेमस है। अभी हम आपको बताएंगे कि ये कैसी है, कैसी लगती है। भैया, ये क्या बन रही है? रबड़ी बन रही है। रबड़ी बन रही है, तो इसमें अभी आपने क्या क्या डाला है? अभी इसको करते हैं, लच्छे ऊपर आ जाएंगे इसके। हाँ, इसको सारा डालेंगे। अच्छा, ये पूरे लच्छे जब ऊपर आ जाएंगे इसके, जैसे ये दिखाइए और थोड़ा सा, पूरे जब ये पूरे लच्छे ऊपर आ जाएंगे, गाढ़ी हो जाएगी अपने आप, ये अपने आप गाढ़ी हो जाएगी, सकर डल जाएगी। तो उसके बाद इसमें शक्कर डाल देंगे। ये एकदम मतलब शुद्ध रबड़ी है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, कुछ भी ऐसा। और ये बन, ये डेली बनती है आपके यहाँ? डेली बनती है। ये डेली बनती है, 50 लीटर दूध की रोज बनती है। मतलब 50 लीटर दूध की ये रबड़ी डेली बनती है, क्या बात है। तो अभी हम ये पूरा प्रोसेस देखेंगे। 50 लीटर दूध इसके, इसको सबसे पहले आपने क्या किया इस रबड़ी के? गरम करा दूध, पकाया है, दूध को पकाया, लच्छी चढ़ाना चालू कर दिया। अच्छा, लच्छी चढ़ाना चालू कर दी। लच्छी चढ़ाते जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे लच्छे आना। हाँ, समझ लो रबड़ी बन जाएगी। अच्छा, और ये रबड़ी बन जाएगी, क्या बात है। तो ये है रबड़ी और जलेबी। ये मैं अपनी वीडियो पे शायद पहली बार ट्राई कर रही हूँ और आपके साथ भी। तो अभी ये खाकर देखते हैं कि ये है कैसी, जो ये एकदम देसी स्टाइल में बनाई गई है, आपको भी हमने दिखाया है। रबड़ी तो मतलब बहुत कमाल की है और इसके साथ जलेबी। यहाँ पे दिखाना कैमरा आपको, ये मिक्स करके खानी पड़ेगी कुछ ऐसे। तो है ये बहुत कमाल की, हमने आपको बनाते हुए भी दिखाया। यहाँ डेली रबड़ी बनती है, प्योर बनती है और डेली फ्रेश बनती है। सबसे अच्छी बात, बनकर रख नहीं जाती है या फ्रिज में या कहीं पर भी। 50 लीटर दूध में अगर रबड़ी बनाई जाती है तो वो हर दिन खत्म हो। और इसका मतलब साफ है कि लोग यहाँ की रबड़ी और जलेबी के लिए काफी क्रेजी हैं, इसीलिए इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बनने के बावजूद ये खत्म हो जाती है। तो ये है बहुत कमाल की, क्योंकि ये फ्रेश बनती है। और सबसे अच्छी बात कि इसको बनाने का जो तरीका है वो एकदम जैसे
पहले की तरीके से बनाते थे गांव में या फिर घर पर निकाल कर एकदम देसी स्टाइल में उस तरीके से, तो इस वजह से इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डली हैं लेकिन ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है प्योर और शक्कर है और उसकी क्वांटिटी भी बहुत सही है ताकि ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा मीठा है। ये जलेबी के साथ भी खाने पर बहुत ज़्यादा मीठा बिल्कुल नहीं लगता है। शुरुआत हुई थी और उसके बाद आज की डेट में भोपाल में चार पांच जगह पर हो गई है, लकेरापुरा, हम तो लाल घाटी वाले पे आए हुए हैं और पुराना सिटी और काफी जगह। मैंने आपको बताया था कि ये मामा जलेबी वाले हैं, लेकिन नहीं, मामा लगाने से पहले आपको मामा जी जरूर कहना पड़ेगा क्योंकि ये मामा जी जलेबी वाले हैं और ये सिर्फ रबड़ी और जलेबी के लिए वैसे तो बहुत फेमस है, लेकिन अगर बात रबड़ी और जलेबी की आए और नाश्ता ना हो ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कई तरह के नाश्ते भी मिल जाएंगे करने के लिए, जिसके लिए काफ़ी भीड़ लगी होती है। रबड़ी और जलेबी के साथ लोग ऐड कर लेते हैं, जैसे कि भोपाल के मशहूर पोहा, समोसा, कचौड़ी और इसके साथ आपको चाइनीज़ भी मिल जाएगा, साउथ इंडियन भी मिल जाएगा। मैं आपको ऊपर मेन्यू दिखा देती हूँ, ये देखिए, स्नैक्स में जलेबी, पोहा, समोसा, कचौड़ी, खमन, आलू और आलू बिड़ई, सॉरी, ये काफ़ी फेमस है यहाँ की बिड़ई, आप चाहें तो कभी आकर यहाँ ज़रूर ट्राई करें। साथ में चाट, उसके बाद आपको मिलेगा साउथ इंडियन, उसके बाद मिलेगा आपको चाइनीज। हर काउंटर में बहुत ही हाइजीनिक तरीके से सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसा हमने आपको पहले भी दिखाया और इसके बाद वाली फुटेज में भी मैं आपको दिखाऊंगी कि और क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे दही बड़े बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं, डोसा भी मैं आपको बनाने का तरीका दिखाऊंगी कि यहाँ पे डोसा भी बहुत अच्छा बनता है, सारी चीजें। तो रबड़ी और जलेबी के लिए तो आपको जरूर आना चाहिए, साथ ही आपको अगर कुछ स्नैक्स ट्राई करना है, साउथ इंडियन ट्राई करना है, तो भी आप यहाँ पर जरूर आ सकते हैं।
बात आती है कि आप मामा जी जलेबी वाले के यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, जिस आउटलेट पर मैं आई हूँ वहाँ पर। तो मैं जिस आउटलेट पर आई हूँ, ये आउटलेट है लाल घाटी के पास। ये देखिए, ये सामने का मैंने आपको व्यू दिखा दिया है, ये लाल घाटी के पास। और लैंडमार्क इसका है गुफा मंदिर रोड, जो कि बहुत फेमस है भोपाल में। आप अपने अगर गूगल मैप में डालेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा, और मामा जी जलेबी भी आपको गूगल मैप में इजली मिल जाएगा अगर आप रैपिडो बुक करते हैं, ओला बुक करते हैं, ऑटो कैब कुछ भी करते हैं। और बाइक से आते हैं अपनी पर्सनल व्हीकल से, तो आप गूगल मैप में डालिए और इजली आपको मिल जाएगा गुफा मंदिर, नियर गुफा मंदिर या लाल घाटी वाले मामा जी जलेबी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ और नई जगह पर किसी नई चीज के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हमेशा की तरह बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे पिछले पुराने वीडियोस देखने हैं तो आप जाकर चैनल में बाकी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही मैंने अपने फेसबुक और इंस्टा पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी, आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं और ये ब्लॉग को बहुत सारी जगह पर शेयर कर सकते हैं।